بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم students, how are you all? Hope you will be fine. I am your English teacher and we are going to solve verb book from page number 60 to 71 and the topic is tenses. Students, the concept of tense in English is a method that we use to refer to time, past, present and future. यानी कि जब हम किसी action की बात करते हैं कि वो past में हुआ है या present में हो रहा है या future में होगा, तो ये जो time हमारे division है ये क्या है? Tenses हैं. फिर each tense has four kinds. जैसे कि first आ जाएगी simple या indefinite कह सकते हैं हम इसको, next है continuous, next है perfect and the last one is perfect continuous. यही four kinds आ जाएगी past के साथ, present के साथ और future के साथ. इस तरह से टोटल नंबर ऑफ जो टेंसेस हैं वो है हमारे पास 12. Okay students, let's start. Now the statement is, write the definition of tenses with examples and formation. यानी कि हमने टेंस की डेफिनेशन भी बतानी है, एग्जाम्पल्स भी बतानी है और फिर उसकी फॉर्मेशन भी बतानी है. फॉर्मेशन मीन्स ये किसी भी टेंस के सेंटेंस को क्रिएट करने का स्ट्रक्चर बताना है. सो फर्स्ट वन है सिंपल प्रेजेंट. जैसे कि प्रेजेंट मैंने आपको बताया है कि रेफर करता है टू डे से, यानी कि जो काम हमारा आज का है, डेली रूटीन का है, हैबिचुअल एक्शंस हैं. डेफिनेशन है इसकी, इट टेल्स अबाउट हैबिचुअल एक्शन मीन्स टू डू द सेम थिंग एट द सेम टाइम. यानी कि वही बात है कि हमारे हैबिचुअल एक्शन है, हमारी डेली रूटीन है, जो काम हम डेली बेसिस पे करते हैं. जैसे कि ही रीड्स गुड बुक्स, नसीमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, दे कम टू स्कूल इन टाइम, यू टेक अ बाथ डेली, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो ये हैबिचुअल एक्शंस की और डेली रूटीन की एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट है फॉर्मेशन. फॉर्मेशन मींस यानी कि सेंटेंस को क्रिएट करने का स्ट्रक्चर बताना है. उसमें है सबसे पहले सब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट होता क्या है? इट इज़ अ डूअर. यानी कि एक सेंटेंस के अंदर जो भी एक्शन है, उस एक्शन का जो परफॉर्म करने वाला है वो कौन है? सब्जेक्ट है, डूअर है. अब सब्जेक्ट की टू टाइप्स हैं, एक है सिंगुलर और नेक्स्ट वन है प्लूरल. सिंगुलर मीन्स वन थिंग एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन और टू. यानी कि सिंगुलर एक चीज़ है और प्लूरल एक से ज्यादा है. सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आ जाता है ही, शी, इट और सिंगल नेम. और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसमें आ जाएगा दे, वी, यू, आई. ठीक है, आई भी प्लूरल में कंसीडर होता है. अब सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो उसके साथ हम ऐड करेंगे सिंपल प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब क्या है? एक्शन है. यानी कि जो एक्शन है सेंटेंस के अंदर, उसके साथ हमने ऐड करना है एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स हु रिसीव्स द एक्शन. नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वो हम करते हैं प्लूरल के साथ, सब्जेक्ट प्लूरल. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल देन वी ऐड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने एस और ई एस को ऐड नहीं करना. एग्जाम्पल है इसके, अली गोज टू स्कूल. अगर यहाँ पे होता है दे या अली और उस्मान तो फिर हम करते गो टू स्कूल. यानी कि अगर प्लूरल होता तो हम ई और एस को यहाँ से डिडक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पे ई एस को ऐड करेंगे. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है प्रेजेंट कंटिन्यूस. प्रेजेंट मीन्स वही आ जाता है कि टुडे, यानी कि जो काम अभी है. ठीक है, आज का जो काम है. कंटिन्यूस मीन्स द एक्शन इज गोइंग ऑन, कंटिन्यू है, जारी है, यानी कि कोई भी जो चीज़ है वो भी कंप्लीट नहीं हुई. तो इसकी डेफिनेशन है, प्रेजेंट कंटिन्यूस शोज एक्शन और वर्ड कंटिन्यू इन प्रेजेंट बट नॉट कम्प्लीटेड. यानी कि अभी मौजूदा हालत में वो काम कंटिन्यू है, जारी है, गोइंग ऑन है बट हैज़ नॉट कम्प्लीटेड, लेकिन कम्प्लीट नहीं है. फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट. यहाँ पर जो हमने सब्जेक्ट है उसको तीन डिवीजन्स में कर दिया है. सब्जेक्ट है सिंगुलर. सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट यहाँ पे है प्लस इज. यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ऐड करेंगे इज. इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मीन्स द वर्ड्स दैट हेल्प्स टू द वर्ब. ये वो वर्ड्स हैं जो वर्ब को हेल्प करते हैं. और किस तरह से हेल्प करते हैं? हम लोगों को ये बताने के लिए कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस से रेलिवेंट है. इज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ये ऐड करेंगे हम प्लस आई एन जी. यानी कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी ऐड करनी है. स्टूडेंट्स, अगर हम इसको कंबाइन करके बोलेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लूरल. यानी कि वी, दे, यू आ जाएगा तो प्लस आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. और लास्ट वन में क्या है? सब्जेक्ट आई. यानी कि अगर सब्जेक्ट आई होगा तो आई के साथ हमने क्या ऐड करना है? एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स हैं इसकी, अहमद इज़ ईटिंग मैंगो. और जैसे अगर हम ऊपर वाले एग्जाम्पल्स को कंटिन्यूस पर लेकर आएंगे तो हो जाएगा अली इज़ गोइंग. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज सिंपल पास्ट. जैसे कि पास्ट रेफर कर रहा है यस्टरडे से. ठीक है, अभी यस्टरडे का जो काम है, ज़रूरी नहीं है कि यस्टरडे में हुआ है, ये
5 डेज बिफोर हो सकता है, 10 डेज बिफोर हो सकता है, 1 मंथ बिफोर हो सकता है, या इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए। तो स्टूडेंट्स, इन अदर वर्ड्स, वी आर नॉट डेफिनेट ऑफ द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द एक्शन एक्चुअली टुक प्लेस। इन शॉर्ट, दिस टेंस कैन बी यूज फॉर एनी एक्शन वेदर रिलेटिंग टू लॉन्ग पास्ट और नियर पास्ट। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द पास्ट टेंस टेल्स अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, यानी कि जो भी काम टुडे से पहले हो गया है वो किस में चला जाएगा? पास्ट में। फॉर्मेशन क्या है इसकी? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये जो सिंपल पास्ट टेंस है ना, इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट टेंस। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सब्जेक्ट की डिवीजन ही करनी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि सब्जेक्ट प्लूरल है। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, डजेंट मैटर। वी जस्ट नीड टू एड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल्स हैं, ही डिड हिज होमवर्क, यानी कि उसने अपना काम कर लिया है। नेक्स्ट वन इज पास्ट कंटिन्यूस। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कंटिन्यूस क्या है? कंटिन्यूस मीन्स गोइंग ऑन, द एक्शन इज गोइंग ऑन, यानी कि काम अभी चल रहा है। अब पास्ट कंटिन्यूस का मतलब यह है कि वो काम पास्ट में कंटिन्यू है। इट टेल्स अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सेम पॉइंट इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में वो काम हो रहा था। फॉर्मेशन है इसकी सब्जेक्ट, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स की फीडबैक कर दी है, सिंगुलर की और प्लूरल की। सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स ही शी इट प्लस वॉज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये याद रखिए, स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर रेफर करा है यहाँ पे टुमोरो से, यानी कि ये काम ना तो पास्ट में हुआ है और ना ही ये काम प्रेजेंट में हुआ है, ये काम अभी होना है, ठीक है, होगा इन फ्यूचर, इन टुमोरो। सो प्रॉपर डेफिनेशन है इट टेल्स अबाउट दैट विल हैपन समथिंग इन द फ्यूचर, यानी कि काम अभी होना है। फॉर्मेशन क्या है इसकी? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। विल और शैल क्या है? यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स है, आई शैल गो होम, ही विल प्ले गेम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज़ लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड मेक सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द टेंस इंडिकेटेड, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स देनी है, इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस क्रिएट करना है जिस टेंस का उन्होंने रिक्वायर्ड किया है। फर्स्ट वन लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस से हमने सेंटेंस क्रिएट करना है। और पिक्चर में देखें, व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, द मैन विल मेक पेंटिंग। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हमने सेंटेंस क्रिएट करना है। और बॉय क्या कर रहा है? लुक एट द पिक्चर, द बॉय इज डस्टिंग एंड क्लीनिंग द हाउस। एंड द लास्ट वन इज सिंपल पास्ट टेंस है, द बॉय वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इज मोर अबाउट टेंसेज, देयर आर टू इंपॉर्टेंट टेंसेज इन द प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट के फोर टोटल टाइप्स है ना। एवरी टेंस हैज़ फोर टाइप्स और फोर काइंड्स। फर्स्ट वन इज सिंपल, सेकेंड वन इज कंटिन्यूस, थर्ड वन इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूस। इन फोर टाइप्स के अंदर से टू टाइप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड नेक्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस की एग्जाम्पल क्या है? आई एम गोइंग, ही इज ईटिंग। और सिंपल प्रेजेंट की एग्जाम्पल्स क्या है? ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही लिव्स इन क्वेटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज से वेदर द फॉलोइंग आर इन द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेज, यानी कि उन्होंने हमें सेंटेंसेज दी हैं यहाँ पे मिक्सअप करके, ठीक है। इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी सेंटेंसेज हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस के भी। अब हमने रिकॉग्नाइज करना है, फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टेंस से रेलिवेंट है। फर्स्ट वन है आई एम ईटिंग माई लंच। अब देखें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है एम और प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किस में यूज होता है? कंटिन्यूस में। तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट वन इज आई गो टू बेड एट 10 o'clock। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे इज एम आर भी यूज नहीं हुआ और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट वन है अली ईट्स एन एग इन हीज ब्रेकफास्ट एवरी डे। एवरी डे की बात हो रही है, यानी कि डेली रूटीन की, हैबिचुअल एक्शंस की। सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इज माई मदर इज निटिंग अ स्वेटर, यानी कि इसमें क्या है? इज एम आर यूज हुआ है और प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है। सो इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट इज पेज नंबर 64 एंड द स्टेटमेंट इज अंडरलाइन द वर्ब्स डैट आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, डू नॉट अंडरलाइन वर्ब्स इन एनी अदर टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने वर्ब्स को अंडरलाइन करना है।
और हमने किसी और टेंस से रेलिवेंट वर्ब्स को अंडरलाइन नहीं करना. सो फर्स्ट वन है शी विजिट्स हर ब्रदर एवरी संडे. हमें विजिट से पता चल रहा है दिस सेंटेंस इज बिलोंग्स टू द सिंपल प्रेजेंट टेंस. हाउ? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब के साथ उन्होंने एस को ऐड किया हुआ है. नेक्स्ट इज दे कम टू माई होम माई हाउस अगेन एंड अगेन. दे है सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो उन्होंने वर्ब के साथ एस और एस को ऐड नहीं किया. सो दिस सेंटेंस इज बिलोंग्स टू द सिंपल प्रेजेंट टेंस. और हमने किसको अंडरलाइन करना है? कम को. कम एक्शन है ना इस सेंटेंस में. नेक्स्ट वन इज शी थ्रोस अ क्रिकेट बॉल फादर देन दी बॉयज टू. थ्रोस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है का वर्ब है तो उसको भी अंडरलाइन कर लेंगे. नेक्स्ट वन इज हिज मदर वेट्स फॉर हिम आउटसाइड द स्कूल गेट. वेट्स को अंडरलाइन करेंगे. एंड लास्ट वन इज प्लीज गिव मी अ बिस्किट. गिफ्ट को अंडरलाइन करेंगे. आज द स्मॉल बॉय. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज राइट द वर्ब्स यू हैव अंडरलाइन अबव. यानी कि जो वर्ड्स को हमने अंडरलाइन किया है ना इन द ब्रैकेट्स बिलो. यूज दिस वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस बट दिस टाइम यूज देम इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. यानी कि जो अभी हमने सेंटेंस को रीड किया था दिस सेंटेंसेज आर बिलोंग्स टू द सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब हमने इन्हीं वर्ब्स को यूज़ करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ब है विजिट्स. तो हमने इसका सेंटेंस बनाया ही इज विजिटिंग. नेक्स्ट वन इज वर्ब है कम. माय फादर इज कमिंग इन द रूम. नेक्स्ट इज थ्रोस. अली इज थ्रोइंग द बॉल. नेक्स्ट इज पेज नंबर 65. मोर अबाउट टेंसेस. स्टूडेंट्स टेंस मीन्स टाइम. अ टेंस टेल्स अस एट व्हाट टाइम अ वर्ब एक्शन टुक प्लेस. यानी कि कोई भी एक्शन कब हुआ है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है. अब जो है टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स. थ्री ग्रुप्स में टेंस को डिवाइड किया है. प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स द एक्शन इज टेकिंग प्लेस नाउ. अभी वो काम हो रहा है. नेक्स्ट इज पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मीन्स द एक्शन टुक प्लेस सम टाइम अगो. पहले वो काम हुआ है. नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस मीन्स द एक्शन विल टेक प्लेस लेटर. वो काम होगा. सो द स्टेटमेंट इज से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस. हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंसेज किस टेंस से बिलोंग कर रहे हैं, पास्ट से, प्रेजेंट से कि फ्यूचर से. फर्स्ट वन इज आई वेंट टू मरी लास्ट वीक. लास्ट वीक की बात हो रही है और वेंट की, यानी कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है. तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम किस टेंस में यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट में. सो दिस इज सिंपल पास्ट टेंस. नेक्स्ट इज माई सिस्टर इज ईटिंग एन एप्पल. हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है इज, उसके साथ है प्रेजेंट पार्टिसिपल. सो इट मीन दिस सेंटेंस इज बिलोंग्स टू द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. नेक्स्ट इज माई फादर इज ड्राइविंग हिज जीप. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. नेक्स्ट इज वी शैल विजिट यू टुमोरो. शैल यूज़ हुआ है यहाँ पे, यानी कि फ्यूचर. सो फ्यूचर टेंस है. लास्ट वन इज इट रेन्ड यस्टरडे. यस्टरडे की बात हुई है सो इट इज सिंपल पास्ट टेंस. नाउ पेज नंबर 66 मिक्स्ड टेंसेज एंड द स्टेटमेंट इज नाउ यूज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेज इन द टेंस गिवन इन द ब्रैकेट्स. मेक सिंपल एंड नेगेटिव सेंटेंसेज बोथ. वन हैज बीन डन टू हेल्प यू. स्टूडेंट्स दे हैव गिवन अस वन सेंटेंस. हमने इस सेंटेंस को क्रिएट करना है. जो भी टेंस उन्होंने रेलिवेंट हमें दिया है ब्रैकेट में, ठीक है, इस टेंस के अकॉर्डिंग हमने उस सेंटेंस को क्रिएट कर देना है. फिर उसी टेंस को हमने सिंपल में भी करना है और नेगेटिव में भी करना है. यानी कि पहले हमने टेंसेस की काइंड्स पढ़ी थी ना, अब हम किसकी पढ़ रहे हैं? सेंटेंसेस की. सेंटेंसेस की बहुत सी काइंड्स हैं लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ टू को डील करेंगे, सिंपल को और नेगेटिव को. सिंपल मीन्स अफर्मेटिव, यानी कि उसके अंदर किसी भी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है और ना ही उसके अंदर किसी किस्म की क्वेश्चनिंग की गई है. और नेगेटिव में क्या है कि नेगेटिव में हमने नॉट को यूज़ करना है. सो फर्स्ट वन इज आई एप्पल ईट. इसको हमने प्रेजेंट में प्रॉपर कन्वर्ट करना है. तो सिंपल में बनाना है आई एम ईटिंग एन एप्पल नाउ. और नेगेटिव किया है आई एम नॉट ईटिंग एन एप्पल. नेक्स्ट वन क्या है? द टू बॉयज टू स्कूल गो नेक्स्ट टर्म इन फ्यूचर. फ्यूचर में क्रिएट करना है हमने सेंटेंस को सिंपल में. द टू बॉयज विल गो टू स्कूल इन नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट इज नेगेटिव. द टू बॉयज विल नॉट गो टू स्कूल इन नेक्स्ट टर्म. स्टूडेंट्स वन थिंग यू शुड बी रिमेंबर, इन नेगेटिव सेंटेंसेज वी ऑलवेज यूज नॉट. एंड वेयर वी यूज, वेयर वी प्लेस द नॉट? आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, बिफोर द वर्ब. एंड वी ऑल्सो कैन से बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द वर्ब. यानी कि ये प्लेसमेंट है नॉट की, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आएगा या वर्ब से पहले आएगा या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के सेंटर में आएगा. नेक्स्ट इज माई सिस्टर स्कूल टू गो पास्ट. पास्ट में कन्वर्ट करना है सिंपल का.
My sister went to school. Next है negative. My sister did not go to school. Students past के simple past के negative sentences में हमने second form of verb को use नहीं करना है because did is already the second form of do. जो did है वो do की second form है, इसलिए हमने इसके साथ go की जगह हमने went को use नहीं करना, लेकिन क्या हमने use किया यहाँ पे go को, ठीक है. So this is the correct one. Next is he in a shoe factory verb present. Simple है, he works in a shoe factory. और negative क्या है, he does not work in a shoe factory, यानी कि simple present का negative हमने किया है. simple present के negative को करने के लिए क्या हमें needed है, कौन से helping verb, do and does. if the subject is singular then we add does and if the subject is plural then we add do. next is she for guest tea prepare future में. simple है, she will prepare tea for guest. और negative क्या है इसका, she will not prepare tea for guest. नेक्स्ट इज पेज नंबर 67 एंड द स्टेटमेंट इज नाउ सी इफ यू कैन से व्हाट द फॉलोइंग टेंसेस आर. दे हैव गिवन अस मैनी सेंटेंसेस हेयर और हमने क्या करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज दी सेंटेंसेज. दिस सेंटेंसेज आर बिलोंग्स टू विच वन टेंस. सो फर्स्ट वन है माई ब्रदर वॉज वॉकिंग डाउन द रोड. वॉज वॉकिंग यूज हुआ है, सो इट मीन्स दिस इज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. नेक्स्ट इज ही ऑफन वॉक्स अलोंग दैट रोड. दिस इज प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट इज सडनली ही फेल ओवर. सिंपल पास्ट टेंस है. नेक्स्ट वन इज स्लिम इज सेविंग ऑल हिज मनी. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. नेक्स्ट इज द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली. कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है. द डॉग वॉज बार्किंग एट दम. पास्ट कंटिन्यूस. स्टूडेंट्स नाउ पेज नंबर 69 एंड द टॉपिक इज ट्रांसटिव एंड इंट्रांसटिव वर्ब्स. नाउ व्हाट इज ट्रांसटिव. अ ट्रांसटिव वर्ब नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस विद अ ट्रांसटिव वर्ब इज नॉट कम्प्लीट विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स जैसे कि बेसिकली जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वट इज इट, डैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये तीन चीज़ें हैं एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में. अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर हम चीज़ों को ऐड करते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स को या फॉर्म ऑफ वर्ब्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस. लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब किसी सेंटेंस के अंदर अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को लेते हैं और ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं, सो इट मीन्स दैट इज इंट्रांसटिव वर्ब, यानी कि उसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है, तो वो ट्रांसटिव वर्ब नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अली प्लीज ओपन. व्हाट डू आई ओपन, ठीक है. व्हाट डू ही विल ओपन, वो क्या ओपन करेगा, उसको तो पता ही नहीं है ना. तो क्या है कि उसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इट मीन्स दिस सेंटेंसेस आर बिलोंग टू द ट्रांसटिव. नेक्स्ट में क्या है, इंट्रांसटिव वर्ब्स. अब व्हाट इज द इंट्रांसटिव वर्ब. एन इंट्रांसटिव वर्ब फंक्शन एज एन एक्शन वर्ब. इट डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट इट्स मीनिंग. जैसे कि यहाँ पे आ सकता है प्लीज ओपन, ही इज स्लीपिंग, दे आर लाफिंग, ठीक है. Now the statement is read the sentences carefully and find out the transitive and intransitive verbs. Underline the transitive verbs and circle the intransitive verbs. जो transitive verbs हैं उनको underline करना है और जो intransitive verbs हैं उनको हमने circle करना है. First one is Kamal played hockey. ये transitive है, underline करेंगे. She laughed, intransitive है. The birds sang beautifully, intransitive है. The eggs in the basket broke suddenly, ट्रांसटिव है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है. आर्मी क्रॉस द डोर, ट्रांसटिव है, सो अंडरलाइन इट. द मैन ब्रोक द स्ट्रीक, ट्रांसटिव है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है. एंड द लास्ट वन इज द सन सेट, ठीक है, ये इंट्रांसटिव है. कहाँ पे सेट करता है ये नहीं बताया गया ना, तो ये क्या है, इंट्रांसटिव. तो सर्कल करेंगे. नेक्स्ट वन स्टेटमेंट इज चूज सूटेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर आर इंट्रांसटिव वर्ब्स इन दी सेंटेंसेज बिलो टू कम्प्लीट दैम. उन्होंने हमें क्या दिए हुए हैं, इंट्रांसटिव वर्ब्स दिए हुए हैं, इनको हमने कम्प्लीट करना है, यानी कि इनको हमने ट्रांसटिव में कन्वर्ट कर देना है. फर्स्ट वन इज द हॉट सन मेल्टेड, और इसमें हमने क्या ऐड किया है, द आइस क्यूब्स. सितारा थ्रू द बॉल. द ऑल नाउ पेज नंबर 70 एंड द टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दो टेंसेस को हमने पहले रीड किया था, सिंपल प्रेजेंट को और प्रेजेंट कंटिन्यूस को. अभी थर्ड वन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इट शोज सम एक्शन वर्क विच हैज़ बीन डन इन द प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली फिनिश्ड, यानी कि प्रेजेंट में ही काम है लेकिन वो अभी भी फिनिश हुआ है. और इसकी फॉर्मेशन क्या है, वो यूज टू हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस टेंस, विच वन हैज एंड हैव एंड विच फॉर्म ऑफ वर्ब, वो यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल. यानी कि इसकी जो प्रॉपर फॉर्मेशन आ जाएगी वो होगी सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. सो नाउ द स्टेटमेंट इज फाइंड मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम अगेन इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
यानी कि जो हम यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन सेंटेंसेस में से हमने करेक्शन करनी है, उनको रीराइट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करके. फर्स्ट वन इज आई हैव नॉट स्लीप फॉर 3 डेज. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है, लेकिन क्या है यहाँ पे स्लीप का वर्ड यूज़ किया, और स्लीप क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. और हमने प्रेजेंट परफेक्ट में विच फॉर्म ऑफ वर्ब यूज, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो क्या आ जाएगा, आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर 3 डेज. नेक्स्ट इज वलीद हैव नॉट फाउंड हिज कीज. वलीद के साथ उन्होंने हैव यूज़ किया है. इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी ऐड हैज़, एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी ऐड हैव. सो क्या हो जाएगा, वलीद हैज़ नॉट फाउंड हिज कीज. थर्ड वन इज शी हैज़ नॉट स्टडी मच दिस डेज. स्टडी वर्ड यूज़ किया हुआ है, स्टडी इज द प्रेजेंट फॉर्म. शी हैज़ नॉट स्टडीड मच दिस वीक्स. नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग हैज़ यू वेटेड फॉर मी. अब यू के साथ हैज़ किया हुआ है, और यहाँ पे कहना चाहिए हैव. हाउ लॉन्ग हैव यू वेटेड फॉर मी. नेक्स्ट इज वाई हैव ही गोन टू यू एस ए. वाई हैज़ ही गोन टू यू एस ए. ही सिंगुलर है ना, और ही सिंगुलर के साथ हमने क्या ऐड करना है, हैज़. एंड वट वी ऐड विद द प्लूरल, हैव. हैज़ दे एवर टॉक टू यू. हैव दे एवर टॉक टू यू. एंड द लास्ट वन इज सारा हैज़ बाय अ न्यू पेंसिल बॉक्स. और क्या हो जाएगा इसमें करेक्शन, सारा हैज़ बोट अ न्यू पेंसिल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट वन पेज इज 71. स्टेटमेंट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स. और टॉपिक क्या था हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. विच हैपिंग वर्ब्स वी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज एंड हैव. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी ऐड has, and if the subject is plural then we add have. And which form of verb, third form of verb यानी कि past participle. So let's start. Using the telescope scientists blank blank see other galaxies. तो क्या आ जाएगा, have seen. Next is the judge has listened to all the witnesses. Next is all the children plural में आ गए ना, have brushed their teeth. Next is they have washed their clothes. And the last one is he has looked all the morning for his glasses. और लास्ट स्टेटमेंट क्या है, चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. यानी कि उन्होंने हमें सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, और हमने क्या करना है, वी नीड टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. नेगेटिव में भी हमने क्या ऐड करना है, वी जस्ट नीड टू ऐड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, बिफोर द वर्ब, और बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब. सो क्या है, फर्स्ट वन आई हैव ड्रंक 6 कप्स ऑफ कॉफी टूडे. तो कैसे हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, आई हैव नॉट ड्रंक 6 कप्स ऑफ कॉफी टूडे. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव के लिए हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, thing should be remember, we always bring the helping verb before the verb in the interrogative sentences. हमने क्या करना है, helping verb को subject से पहले use करना है. Have I drunk 6 cups of coffee today? Next is the principal has introduced a new teacher. Negative क्या है, the principal has not introduced a new teacher. Interrogative, has the principal introduced a new teacher? Last one is they have written 3 letters already. Negative क्या है, they have not written 3 letters already. Or interrogative, have they written 3 letters already? ओके स्टूडेंट्स, नाउ सर टर्न ऑफ नॉवल. द नेम ऑफ नॉवल इज एलिस एडवेंचरस इन वंडरलैंड. एलिस इन इट वंडरलैंड इज अ नॉवल बाय लेविस कैरोल दैट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1865. स्टूडेंट्स, दिस नॉवल हैज़ टोटल 11 चैप्टर्स. 5 चैप्टर्स यू हैव डन इन योर फर्स्ट टर्म. नाउ यू विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 इन फ्रॉम योर वर्क बुक. बट बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ दिस नॉवल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन or summarize this full novel. Okay, then we will solve the exercise on the verb book. So let's start. The story centers on Alice, a young girl. Alice is sitting with her sister outdoors when she spies a white rabbit with a pocket watch. Fascinated by the sight, she follows the rabbit down the hole. She falls for a long time and finds herself in a long hallway full of doors. There is always a key on the table, which unlocks a tiny door. Through this door, she spies a beautiful garden. She longs to get there, but the door is too small. Soon, she finds a drink with a note that asks her to drink it. यानी कि जब वहाँ पे गई ना, तो वहाँ पे टेबल के ऊपर एक ड्रिंक पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर लिखा था drink it. There is later a cake with a note that tells her to eat. और एक केक था जहाँ लिखा था to eat. Alice uses both, but she cannot seem to get a handle on things and is always either too large to get through the door or too small to reach the key. While she is tiny, she slips and falls into a pool of water. She realizes that this little sea is made of tears. She cried while a giant. She swims to shore with a number of animals.
most notably a sensitive mouse, but manages to offend everyone by talking about her cat's ability to catch birds and mice. After alone, she goes through the wood and runs into the white rabbit. She mistakes her for his maid and sends her to fetch some things from his house. While in the white rabbit's home, she drinks another potion and becomes too huge to get out through the door. She eventually finds a little cake, which when eaten makes her small again. यानी कि फिर उसने दोबारा केक खाया और फिर क्या होगा कि वो दोबारा से स्मॉल हो गई. इन द वुड अगेन शी कम्स अक्रॉस अ कैटरपिलर सिटिंग ऑन अ मशरूम. शी गिव्स हर सम वैल्यूएबल एडवाइस एज वेल एज अ वैल्यूएबल टूल. द टू साइड्स ऑफ द मशरूम विच कैन मेक एलिस ग्रो लार्जर एंड स्मॉलर एज शी विशेज. यानी कि वो ऐसा था कि अगर वो चाहती तो उससे बड़ी भी हो सकती थी और स्मॉल भी हो सकती थी. द फर्स्ट टाइम शी यूजेज देम शी स्ट्रेचेज हर बॉडी. While stretched out, she pokes her head into the branches of a tree and meets a pigeon. यानी कि वो इतनी बड़ी होगी कि वो ट्री के ऊपर पिजन था उसे मिल गई. कितना लॉन्ग उसकी हाइट होगी ना. द पिजन इज कन्विंस्ड दैट एलिस इज अ सर्पेंट एंड थ्रू एलिस ट्राइज टू रीजन विद हर द पिजन टेल्स हर टू बी ऑफ. एलिस गेट्स हर सेल्फ डाउन टू नॉर्मल proportions and countries her track through the woods. In a clearing she comes across a little house and shrinks herself down enough to get inside. उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गई ना. जैसे उसके पास वो था कि उसे स्मॉल भी हो सकती थी और लार्ज भी हो सकती थी. इट इज़ द हाउस ऑफ द डचेस. द डचेस एंड द कुक आर बैटलिंग एंड द सेम unconcerned about the safety of the baby that the Duchess is nursing. Alice takes the baby with her, but the child turns into a pig and trots off into the wood. Alice next meets the Cheshire Cat, who was sitting in the Duchess's house but said nothing. The Cheshire Cat helps her to find her way through the woods, but he warns her that everyone she meets will be mad. जिसे भी वो मिलेगी वो mad हो जाएगा. Alice goes to March Hare's house where she is treated to a mad tea party. Present her the March Hare, the Harer and Dormouse ever since time stopped working for the Harer. It has always been 6 o'clock. It is therefore always tea time. The creatures of the mad tea party are some of the most argumentative in all of Wonderland. Alice leaves them and finds a tree with a door in it. Alice ने उस पार्टी को छोड़ दिया और क्या किया, एक डोर फाइंड किया. When she looks through the door, she spies the door lined hallway from the beginning of her adventures. This time she prepared and she manages to get to the lovely garden that she saw earlier. She walks on through and finds herself in the garden of the Queen of Hearts. There three gardeners with bodies shaped like playing cards are painting the roses red. If the queen finds out that they planted white roses, she will have them beheaded. The queen herself soon arrives and she does order their executions. Alice helps to hide them in a large flower pot. The queen invites Alice to play croquet, which is a very difficult game in Wonderland. The queen takes Alice to the griffon, who in turn takes Alice to the mock turtle. The griffon and the mock turtle tell Alice stories about their school under the sea. The mock turtle sings a song, but turtles sob. And soon afterward, the griffon drags Alice off to see the trial of the Knave of Hearts. The Knave of Hearts has been accused of stealing the tarts of the Queen of Hearts, but the evidence against him is very bad. Alice is appalled by the ridiculous proceedings. She also begins to grow larger. She is soon called to the witnesses stand. By this time she has grown to giant size. और क्या हुआ, इस टाइम वो बहुत बड़े साइज की होगी. She refuses to be intimidated by the bad logic of court and the bluster of the king and queen of hearts. Suddenly the car
Now let's start to solve exercise on workbook from chapter number 6 to chapter number 11. Unit number 6 is Cheshire Cat and Pepper. The question number 1 is why did Alice start to sneeze? The answer of this question is because there was so much pepper not only in her soup but it was in the air too. यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा pepper थी, काली मिर्च थी, जिस वजह से क्या हुआ कि उसको sneezing हो गई. Question number 2 is what did the Duchess say when she looked at Alice? Answer of this question is she scolded her and ordered cut off her head. Question number 3 is the letters in the underlined words are all mixed up. Can you guess what these words are? The first one has been done for you. यानी कि जो sentences हैं उनके अंदर कुछ words हैं जो underlined हैं और वो words उन्होंने mix किए हुए हैं. हमने इन words को arrange करके लिखना है. जैसे कि first one है kitchen. Next sentence में देखें क्या word है ये sitting. Next is standing. Next is sneezing and the last one is smiling. Unit number 7, a mad tea party. Question number 1 is why Alice did not like to sit in the March Hare seat. Answer of this question is because he had spilled some milk on table. Question number 2 is where did Alice go when she picked up the gold key? Answer of this question is she went into the garden. Garden mein gayi thi. Question number 3 is there is something wrong in the underlined part of these sentences. What should they say? यानी कि यहाँ पे statements दी गई हैं और जो words underlined है वहाँ पे कुछ wrong है, उसको हमने correct form में लिखना है. First one है the March Hare and the Hearer were having their breakfast. So correct one क्या है? The March Hare and the Hearer were having their tea. यानी कि breakfast नहीं था, tea थी. Next one is a large bird was sitting between them asleep. क्या होगा इसका करेक्शन? अ लार्ज माउस वॉज सिटिंग बिटवीन देम स्लीप. थर्ड वन इज द मार्च हेयर एंड द हेयरर वर यूजिंग इट एज अ चेयर. द करेक्ट वन इज द मार्च हेयर एंड द हेयरर वर यूजिंग माउस एज अ कुशन. नेक्स्ट इज एलिस सेट डाउन नेक्स्ट टू द हेयरर. करेक्ट क्या है? एलिस सेट डाउन टू द मार्च हेयर. लास्ट वन इज द हेयरर सेट दैट टाइम इज अ हर नॉट अ हिम. करेक्ट क्या है? The hearer said that time is him, not now it. Now is the turn of unit number 8, the Queen's croquet game. Question number 1 is how many gardeners were there and what were they doing? वहाँ पे कितने gardeners थे and what were they doing? Answer of this question is there were 3 gardeners and they were painting roses into red color. वहाँ पे 3 gardeners थे और वो क्या कर रहे थे? They were painting roses into red color. Question number 2 is why were they painting the roses red? Answer this question is because they had planted white roses tree instead of red roses tree. क्योंकि उन्होंने white roses tree को plant कर दिया था इसलिए उनको red color में कर. Unit number 9, the Gryphon and the Mock Turtle. Statement is put the words in the brackets in the right order to complete the sentences. यानी कि statement के आगे कुछ words हैं, इनकी जो arrangement है वो ठीक नहीं है और हमने क्या करना है, इसको correct form में लिखना है. First one है the mock turtle looked at Alice and the Gryphon with eyes of his full tears. यानी कि सारा wrong लग रहा है ना, तो हम इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे. द मॉक टर्टल लुक्ड एट एलिस एंड द ग्राफिन विद हिज आईज फुल ऑफ टीयर्स. नेक्स्ट इज ही आस्क्ड देम टू सिट डाउन एंड सेड ही वुड देम हिमसेल्फ ऑल टेल अबाउट. ही आस्क्ड देम टू सिट डाउन एंड सेड ही वुड टेल देम ऑल अबाउट हिमसेल्फ. थर्ड वन इज व्हेन ही वॉज अ वेरी स्मॉल टर्टल ही वेंट इन टू द स्कूल सी. करेक्ट किया है? व्हेन ही वॉज वेरी स्मॉल टर्टल ही वेंट टू स्कूल इन द सी. Next is he said the teacher was an old turtle. They tortoised him but called. He said the teacher was an old turtle but they called him a tortoise. Last one is Alice remembered that a tortoise was not as same the turtle. Alice remembered that tortoise was not the same as. Unit number 10 is who stole the tarts. Question number 1 is what did the Gryphon say to Alice quietly? The answer to this question is that is the knave of heart. Question number 2 is what was the jury writing very busily in their little books? Answer to this question is they were writing down their name. Now is the turn of page number 41, unit number 11, the last witness. Statement is fill in the gaps with the words from the books. They have given us some words in the books. We have to select these words and write in the blanks. First one is blank read out a poem The White Rabbit. Next is said that the poem had no meaning Alice. Next is thought that said I could not swim the king was about the knave and we meant the jury. The king asked the jury if they thought the knave had stolen the tarts. The king said he should have the knave's head cut off first and then asked the jury. Next is Alice said that
was stupid. And the last one is Alice shouted that the queen should have her head cut off. Okay, students, now the last page of novel report. Title of the novel, what is the name of the novel? Alice's Adventures in Wonderland. It is written by, kisne write kiya hai? Lewis Carroll ne. Next is, did you like the book? Aapko achhi lagi? Yes or no. Next is story. What is the story about? Kiske baare mein thi? It is basically dream of a girl. The story is about Alice who goes in a wonderland. Next is your comments. What do you think about the story? Aapke comments kya hain story ke baare mein? It is not believable. It is just an imaginary story. It is the dream of Alice. Next kya hai? Main characters kaun se the? Alice and White Rabbit. Next is more characters. King, Queen, Hearer, Knave and Caterpillar. Setting is when and where. Where does the story take place? The story took place in a beautiful garden. Next, how much would you rate this book out of 5? Show your likeness by coloring these stars. यानी कि जी बुक जितनी आपको अच्छी लगी है उतने स्टार्स में आपने कलर करना है. लास्ट वन क्वेश्चन, वुड यू रिकमेंड दिस बुक टू योर फ्रेंड? क्या आप अपने फ्रेंड से कहोगे कि ये मेरी बुक पढ़ें? येस, आई रिकमेंडेड दिस बुक टू माई फ्रेंड्स बिकॉज इट इज़ एन एडवेंचरस स्टोरी. Alhamdulillah students, we have done a lesson. Hope you will learn. Okay students, thank you. Allah Hafiz.